मेरे द्वारा बताई गई रेसिपीज को एक बार जरूर ट्राई करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रंग बिरंगे बताशे बनाने के लिए हमको चाहिए, ये मैंने आटा थोड़ा लगाया हुआ है जिसमें मैंने बीटरूट डाला है, और दूसरा आटा ये मैंने लगा के रखा है जिसमें मैंने पालक की प्यूरी डाली है जो इस तरह से बनाई जाती है। ये तो मेरा बताशे का मिश्रण है, और इसके अलावा मैंने इमली का पानी बना के रखा है। इसमें सिर्फ ये इमली का पानी है, इसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है और नमक और लाल मिर्च। इसके अलावा ये धनिया पीस के रखा हुआ है, जीरा है, काली मिर्च, काला नमक और सफेद नमक, ये सारी चीजें बताशे का पानी बनाने का मिश्रण है। अब हम बताशा बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पालक वाले आटे को इस तरह से गोल गोल कर लिया है और गोल करके इसको इस तरह से पेड़ी बना ली। अब हम बताशे को बेलना शुरू करते हैं। बताशे के आटे में हमें हल्का सा बेकिंग सोडा और ऑयल डालना पड़ता है। अब इससे हम बताशे काटेंगे। इसके लिए कोई भी ढक्कन या छोटी कटोरी आप ले सकते हैं। ये छोटे छोटे बताशे कट गए, इसी तरह गोल गोल बेलकर हम इसको किसी भी ढक्कन छोटी कटोरी से काट लेंगे। बताशे बहुत पतले नहीं बेले जाते हैं। अब हम लाल आटे को भी इसी तरह से रोल करेंगे। अब लाल आटे के भी हमने पेड़े बना लिए हैं, उसको भी इसी तरह से हम बेलेंगे। बहुत पतला इसको भी नहीं करना है, एवरेज इतनी मोटाई हम बताशे की रखेंगे। अब अगली पेड़ी को भी हम इसी तरह से बेलेंगे। अब इसके भी बताशे काट लेंगे। गैस को हम धीमा करके इसमें बताशे डालना शुरू करते हैं। हमारे फूले फूले छोटे छोटे बताशे बन तैयार हो रहे हैं।
बताशों का पानी। तो इसके लिए मैंने इमली और गुड़ का पानी पहले से बना कर रखा है। इसमें बहुत थोड़ा सा गुड़ है, ये है इसमें धनिया और मिर्चा पिसा हुआ, भुना जीरा, काली मिर्च, काला नमक थोड़ा सा, सफेद नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सादा पानी मिलाएंगे। फीकी बूंदी डालेंगे। अब ये बताशे का पानी, खट्टा मीठा पानी तैयार है। हमारे रेनबो बताशे अब बनकर तैयार हैं। आप इसको टेस्ट करिए, और अगर आप और भी रंगों के बताशे खाना या बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।